अब बात करेंगे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। यहां प्रचार अंतिम दौर पर है और यहां कोई चूक ना हो, कहीं कोई मौका ना छूट जाए, इसलिए हर पार्टी की ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है, जमकर वार पलटवार भी हो रहा है। इस बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें बजरंग दल और पीएफआई समेत नफरत फैलाने वाले संगठनों पर बैन की बात कही है। इस पर बीजेपी ने इस पूरे मसले को हनुमान जी से जोड़ दिया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अब हनुमान जी को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। कल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया था, अब वोटिंग से एक हफ्ते पहले बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बजरंग बाण चला रही है। तो क्या बजरंग दल बैन की बात कहकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? इन सभी सवालों के जवाब 13 मई को नतीजों के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को अब प्रचार के आखिरी दिन तक बजरंग बाण के तौर पर ही चलाती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मूडबिद्री में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंग बली के जयकारे लगवाए। पीएम ने भाषण से पहले 3 बार बजरंग बली का जयकारा किया, फिर संबोधन खत्म होने के बाद 3 बार जनता से बजरंग बली की जय जयकार करवाई। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, इसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई थी। इस पर पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि श्री राम के बाद ये बजरंग बली को भी कैद करना चाहते हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। आज मैं जितना काम करता हूं उससे अनेक गुना काम करूंगा और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। मेरे नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं, जो चीज पाकिस्तान में हुई है उसे बिहार की बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन करने की सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है। सर, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल पर हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी, तो इस पे मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग बजरंग बली का सीधा अपमान कर रहे हैं, उनको गेट में ताला लगा रहे हैं जैसे पहले राम को लगाया था। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर है, अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदीव हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं, बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगाया, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। तो कांग्रेस बोल रहे कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा, कांग्रेस बोल रहे। कर्नाटक चुनाव में जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के ऐलान पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सवाल खड़े किए और कहा कि जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र तैयार नहीं करते। एंटी कन्वर्शन बिल को बैन किया है, कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि गोहत्या का विरोधी कानून को, गोहत्या विरोधी कानून को मैं दोबारा, मैं गोहत्या को रेगुलराइज कर दूंगा, कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है, लेकिन आज आप जिन्ना से भी नीचे चला गया।
तो अब जब बात बजरंग दल की है तो बजरंग दल के कार्यकर्ता शांत रहें, ऐसा कैसे होगा? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट के जरिए, आप देखिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वो कांग्रेस दफ्तर में जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें लौटा दिया। इस दौरान बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने कहा कि बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ना बेहद शर्मनाक है। वो समाज के विकास और लाभ के लिए काम करने वाले एक दल की तुलना एक ऐसे समूह से कर रहे हैं जिसने कई आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। वो हम पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर समाज को बांटा है। कांग्रेस की शर्मनाक बात का बजरंग दल विरोध करेगा। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। ये तो बात रही बजरंग बाण पर मचे घमासान को लेकर। भले ही बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि वो इस बार सत्ता में वापसी कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। और यहाँ विकास के इतने मौके हैं, क्यों नहीं किए जा रहे? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर स्तर पर, चाहे आप नंदिनी को देखिए, आपने बनाया नंदिनी, आज भाजपा की सरकार कहती है नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, अमूल को गुजरात से लाते हैं। लेकिन 3.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको क्षीरा भाग्या मिला, क्षीरधारे मिला, सब्सिडी मिलती थी दूध के लिए किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर, दूध इतना इकट्ठा हो रहा था कि मुफ्त में स्कूल के बच्चों को मिल सकता था। तो अब अचानक कैसे कम हो गया, अचानक ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये भी झूठ है, ये जो नंदिनी आपने बनाई इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदिनी को खत्म कर डालेंगे। तो इधर कांग्रेस को लगता है कि सत्ता में वापसी करने वाली है कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी की ओर से मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला हुआ है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता।